उधर सिक्किम के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा सिंगताम खामडोंग विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक एम के शर्मा ने आज एसडीएफ ज्वाइन कर लिया। एसडीएफ चीफ पवन चामलिंग की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। शर्मा एसकेएम के टिकट पर 2019 का चुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे। उन्होंने 19 मार्च को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं पिछले साल फरवरी महीने में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। एसडीएफ ज्वाइन करने के बाद नॉर्थ ईस्ट लाइव के संवाददाता प्रकाश अधिकारी के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एसकेएम पार्टी तत्कालीन जो एसडीएफ सरकार था उसकी पॉलिसियों को विरोध करते हुए नई प्रॉमिस देके गवर्नमेंट में आने की कोशिश कर रही थी। वो सारे अपेक्षाएं में कोई किसी चीज में ये एसकेएम सरकार पास नहीं हुआ, चीटिंग हुआ एक्चुअली। तो ये तो बकवासबाजी था हमारे सेंटिमेंट के साथ, हमारे लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ था। जो जो चीज हम लोग को बताया वो सारे गलत निकले, वाई दिस सारे गलत निकले, ठीक है। लॉन्ग पेंडिंग हमारे डिमांड थे तो कोई फुलफिल नहीं हुआ। लिमो तामंग का सीट, अरे हम तो बस चुटकी भर में हम 10 दिन में ला देंगे गवर्नमेंट आने से। हमारे 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटी का जो डिमांड था ट्राइबल स्टेटस का, उसका क्या हुआ? वो कोई कहीं नतीजे में नहीं है, कहीं भी नहीं है।